हे गाइस, क्या आप लोग भी जियो फाइबर यूज़ करते हैं और आप लोगों को लग रहा है कोई आपका जो वाईफाई है आपसे बिना पूछे यूज़ कर रहा है, या फिर आप लोग चेक करना चाहते हैं कोई आपका जो वाईफाई है वो आपसे बिना पूछे यूज़ कर रहा है या नहीं, और क्या हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चिंता मत कीजिए, आज की इस वाली वीडियो में ये आपको सिखाऊंगी किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से डिवाइस आपके वाईफाई पे चल रही है, मतलब कौन कौन से डिवाइस के साथ आपका जो वाईफाई है वो कनेक्टेड है, एंड आप चाहे तो किसी भी वक्त किसी भी डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, वो आज की इस वाली वीडियो में सिखाऊंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ पायल, आप लोग देख रहे हैं पायल टेक। तो चलिए आज की वाली वीडियो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन में माई जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नया एनिमेशन दिया गया है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आपको फाइबर वाला जो टैब है उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। देन आपको नीचे माई डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर टैप करना है। देन यहाँ पर आपको जो भी डिवाइस पेयर्ड होंगे एक लिस्ट आ जाएगा, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। एंड जो भी डिवाइस यहाँ पर आपके वाईफाई के साथ लिंक है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है यहाँ पर कोई भी डिवाइस अननोन है, जैसे यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड करके जो लिखा है वो अननोन है, मुझे नहीं पता कौन है, तो ऊपर आपको ऑनलाइन का जो बटन है उसके ऊपर टैप करके देख सकते कौन सा डिवाइस ऑनलाइन है, पेयर्ड के ऊपर देख सकते कौन सा कनेक्टेड है, ब्लॉक के ऊपर क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हैं किस किस को आपने पहले से ब्लॉक करके रखा है। देन यहाँ पर फिर से हम लिस्ट के अंदर जाते हैं, जिसको भी मुझे ब्लॉक करना है जो अननोन है मेरे ख्याल से, उसके साइड में 3 डॉट होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। देन ब्लॉक वाले बटन आ जाएगा, उसके ऊपर टैप करना है। देन सिंपली ब्लॉक आ जाएगा, उसके ऊपर हमें टैप करना है। जैसे आप लोग ब्लॉक वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये जो डिवाइस है ब्लॉक हो जाएगा एंड आपका जो वाईफाई यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि वाईफाई का एक्सेस इसको फिर से देना है तो यहाँ पर ताला वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करके इसको अनब्लॉक कर देना है। अनब्लॉक कर दिए यहाँ से गायब हो जाएगा, कहाँ पर है फिर से लिस्ट के अंदर जाके आपको चेक करना पड़ेगा बैक के अंदर जाके, तो वो फिर से लास्ट में शो हो जाएगा जैसा कि देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग किसी भी अननोन डिवाइस को ब्लॉक या फिर अनब्लॉक कर सकते हैं, पहचान के डिवाइस को भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे जियो फाइबर से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। एंड आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं अभी ट्राई करूँ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड रील वीडियो पोस्ट करने की, एंड साथ ही मैं अपनी कुछ पर्सनल वीडियोज़ फोटोज़ भी पोस्ट करते रहते हूँ, आप लोग चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कुछ दिक्कत है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके भी बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड दोस्तों, उसी के साथ अगर आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिली है तो आप लोग हमें सुपर थैंक्स सेंड करके थैंक यू बोल सकते हैं, आपको नीचे बटन दिख जाएगा। और मेरी सारी सोशल मीडिया की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अकॉर्डिंग सेटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।